हे गाइस व्हाट इज अप, तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हमारा ट्रिप का थर्ड ब्लॉग और फिलहाल अभी रूम से निकले हैं। कल रात में लगभग 12 बजे रूम लिए थे और आज 1 बज रहा है, मतलब पिछले 12 घंटे से रूम पे पड़े थे। अभी सब कोई निकला है और दो कोई पूजा कर रहा है। हम लोग पूजा कल करेंगे, अभी देखिए इनमें पहले घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद पूजा करने भी निकलेंगे। पीछे हम लोग का पीछे होटल लिए हुए हैं और फिलहाल अभी जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। शाम तक घूमेंगे, ऐसा करें अभी खाए नहीं, सुबह से कुछ खाए नहीं पहले, उसके बाद फिर मिजाज में घुमा जाएगा। खाने के लिए और सबका बनता है, तो गाइस सबको खाया, कैसा है रे टेस्ट? लग रहा है क्या? अच्छा हाँ, सबको लगा तीखा तो आया है लस्सी पीने के लिए। इस जगह पे रात में एकदम खाली खाली था, जो कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, और अभी देखो मेला लगा हुआ है, भीड़। राम मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं और हर 2 मिनट में एक दुकान पे रुक जा रहा है सबको, पूरा ग्रुप चलने बोलते हैं तो बोलता रुको 2 मिनट में आ रहे हैं। अभी सबको बोले कि आप डायरेक्ट राम मंदिर में रुकेंगे, देख लेंगे कि कर पूजा भी करना है, अगर प्रोसीजर पता नहीं रहेगा तो फिर पता पूजा कैसे करेंगे, इसलिए जाना जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, रात में जब यहाँ पे ऑटो लेके घूमे थे तो बहुत कम भीड़ था, अभी फोर्स भी भर गया है। और मम्मी अभी मंदिर का क्लोजिंग का टाइम मतलब क्लोज हो चुका है 11 बजे तक, 7 से 11 खुला रहता है और फिर 2 से लेके रात में 10 बजे तक दर्शन होती है, उसके बीच में बंद रहती है। और ये है मंदिर का मेन द्वार, जहाँ तक कि हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़। शायद से यही मेन द्वार, यही वाला है मेन गेट। अच्छा हाँ, यही यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए काफी लंबा चौड़ा लाइन और काफी ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। तो 3 राउंड ऐसे घूमना पड़ेगा फिर जाएंगे मेन गेट में। चलो भैया चलो, और काफी ज्यादा लंबी लाइन है, जब तक से चलते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में है लेकिन काफी अच्छा रेनोवेट किया गया है रूट्स का, मतलब मंदिर तक जाने तक का। लोग पीछे हैं और कुछ लोग आगे भी गए हुए हैं। अभी मंदिर में एंट्री हो रहा है, इधर गेट है, टोल गेट, देखते हैं अलाउ है कि नहीं, मोबाइल और जूता वगैरह। यहाँ से एंट्री है, बहुत सारा एंट्री गेट्स बना हुआ है। ये पूरा मंदिर का एरिया, इधर का कॉरिडोर, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को मना कर दिया है, मोबाइल और ये नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल जूता वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, काउंटर में जमा करना पड़ेगा। डिसाइड कर रहे क्या करना चाहिए, जमा करना पड़ेगा, जमा करते हैं फिर क्या है। यहाँ पे है लॉकर वगैरह, शायद पेड़ होगा, मे बी पता किया जाए जाके अंदर में। मंदिर तो इस साइड है लेकिन जाने का फिलहाल भी अलाउ नहीं है, विदाउट स्लीपर्स, सॉरी विद स्लीपर्स, जूता भी सब खोलना होगा, जूता तो सब। तो गाइस अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, मोबाइल अलाउ नहीं था और शूज़ भी और मोबाइल सब सबमिट किए हुए थे, शूज़ इधर सबमिट किए हुए थे और मोबाइल
वहाँ पे। तो फिलहाल लेंगे अपना सूप, उसके बाद चलेंगे बाहर। मयंक लोग वेट कर रहा, मयंक और ये मनीष। तो गाइस अभी राम मंदिर का प्रांगण से निकल के बगल में ही कोई एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, रुके हुए हैं। और दोस्त लोग फोटो शूट करा रहा है आगे पे, वो लोग वहाँ फोटो शूट करा रहा है यहाँ पे। अरे ये कुछ मंदिर है यहाँ पे, ऐसा दिखता है। इधर धर्मशाला भी है सर। चलेंगे थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए, भूख भी लगा हुआ है। लस्सी पिए थे और कुछ सुखाड़ी या फिर कुछ नाम था, वही शिखंडी कुछ वही खाए थे, उसके बाद कुछ खाए नहीं है। मंदिर का दर्शन अच्छा रहा, मंदिर का प्रसाद भी मिल गया। हाँ प्रसाद आपको दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है ओरिजिनल प्रसाद, ये दिखता है ऐसा प्रसाद राम मंदिर का। तो गाइस सब कोई फोटो वोटो करा रहा और हम बैठे हुए आराम से आके, क्या कर सकते हैं। बगल में एक सा यहाँ पे धाम है, बोल सकते हैं सरकारी रुकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, नहीं पता उसको एक्चुअली मीनिंग याद नहीं आ रहा। अभी तो रुके हुए हैं, देख सकते हैं बगल में, ये दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से, बहुत क्यूट लग रहा है, देख सकते हैं। क्यूट पपीस वृंदावन और ही क्या अयोध्या की गलियों में हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस आई अभी यहाँ पे डोसा और मैंने लिया है कि स्टार फ्रूट खाने के लिए, काफ़ी अच्छा है ये स्टार फ्रूट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर पूरा शॉप है। तो गाइस अभी हम लोग गए हुए थे रूम केला लेके खाने के लिए, तो केला कोई और खा रहा है, बंदर खा रहा है। अभी फिलहाल चल रहा है ATM, इसका काम है कुछ, अब चलेंगे। और इतना सारा भीड़ शोर शराबा, फिर भी मज़ा आ रहा है। हर जगह भगवाधारी देख सकते हैं। और ये हमारे साथ स्कैम हुआ है, हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ ATM दिखा के स्टेट बैंक का है, देख सकते हैं वहाँ पे। क्या कर सकते हैं, होते रहता है स्कैम। अब सौरव लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज हम लोग को यहाँ से मथुरा चलना है कि कल। हर हीरो और यही सब वो रोड है जहाँ पे जय श्री राम का हर गेट में बना हुआ दिखता है। पर देखने से लगता है कि ये हाईवे है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो गाइस ये पूछने के लिए गए थे कैसे है, टेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ले लिया जाएगा। 40 रुपये का पाव था, मतलब समझ पता नहीं कितना आएगा, खाली चीनी और थोड़ा सा लेमन फ्लेवर, कोई नहीं अच्छा है। अरे सर ये कौन सी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये महल टाइप का लग रहा है ना। अरे ये पता है सिख का मंदिर है, सिख का। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। ओहो मेरी रानी, अरे थार थार गाइस हम लोग चल रहे लता मंगेशकर चौक, और इधर हो रहा प्रोग्राम, दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी लिए हम लोग कुल्फी। ओहो मयंक चश्मा कहाँ लगा लिया बे, चश्मा लगाने के जगह नहीं मिल रहा था। बढ़िया है, 20 रुपये का था, 30 रुपये ले रहा था, कोई नहीं, लेकिन प्राइस देख लिया, बोलता कि हाँ 20 रुपये दीजिए। अभी जा रहे हैं कहाँ, लता मंगेशकर घाट है। क्या मस्त मेला लगा यार राम मंदिर का। तो वैसे हम लोग आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक आ चुके हैं, और बहुत ही सुंदर है ये जगह, पीछे वीणा बना हुआ है, देख सकते हैं।
आ क्या गाना बजा रहा रे। ये है यहाँ का चौक। तो गाइस अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक से घूम के मतलब यहाँ घूम लिए हैं और फिलहाल निकल रहे हैं सरयू नदी का घाट पे जो रिसेंट बना हुआ है क्योंकि नदी किनारे ठंडा भी लग रहा है ना, मजा आ रहा है। नाइट में ही मजा आता है क्या? आज का लाइट वही ना। अच्छा ये सरयू नदी का ही पानी इधर आया है ना, नींबू पानी इमली पानी। अरे यार ये पानी पूरी का नाम सुन के अभी इतना इरिटेशन हो रहा है ना भाई। तो भाई हम लोग आ चुके हैं न्यू घाट, जिसे नाम ही है न्यू घाट। और उसके बाद यहाँ पे आती चल रहा है यहाँ पे आरती चल रहा है इधर रवि का। यहाँ का न्यू घाट तो गाइस सभी गए थे ये लेने के लिए, बहुत जोर से प्यास लग रहा था, एक सेवन अप लिए से। यहाँ भी लेजर से चल रहा है ना।
देखा आपने लेजर शो और हम लोग जो डांस किए काफी बेहतर था और मोबाइल भी डिस्चार्ज होने को है इसीलिए रूम निकल आया क्या ना अयोध्या आने का एकदम फुल प्रूफ बोले तो फुल पैसा पूरा शांति मिल गया। हां मन को शांति है जो डांस किए अरे डांस का स्टार्टिंग हम ही लोग किए उसके बाद घंटा भरते चले गए मजा आ गया लेकिन फुल पैसा वसूला। अभी फिलहाल मोबाइल डिस्चार्ज होने को है इसीलिए उधर से रिटर्निंग तो दिखा दिया अब मतलब कि आने टाइम दिखा दिया अब ज़्यादा टाइम सेम रूट है तो रूम जाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। चल